और चलिए अब बात करेंगे भरतपुर की। आपको बता दें कि भरतपुर से आरएलडी प्रत्याशी सुभाष गर्ग के आवास पर समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने सुभाष गर्ग को दीपावली की शुभकामनाएं दी, साथ ही माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। वहीं आरएलडी प्रत्याशी सुभाष गर्ग ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि जनता का प्रेम उनके साथ है, लोग उन्हें विकास के नाम पर वोट देंगे। दीपावली का त्यौहार है और आमा सामा का दौर शुरू हो गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लोकदल के जो विधायक हैं सुभाष गर्ग, वो अपने आवास पर दीपावली की रामा सामा कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उनको रामा सामा करने के लिए जो उनके विधानसभा के लोग हैं, उनके समर्थक हैं, वो पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं उनके आवास पर बड़ी संख्या में जो है भीड़ लगी हुई है और रामा सामा कर रहे हैं। सुभाष गर्ग लगातार जो है अपने क्षेत्र के दौरे पर हैं और लोकदल और कांग्रेस के गठबंधन के साथ जो है चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। सर, फर्स्ट इंडिया परिवार की तरफ से पहले दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल परिवार को शुभकामना देता हूं दीपावली की, और आपके माध्यम से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं शुभकामना देता हूं। आने वाला समय सबके लिए मंगलमय हो, देश में भाईचारा, अमन, चैन, सद्भाव का वातावरण कायम रखते हुए हम प्रगति के रास्ते को और आगे बढ़ाएं। सर, आज रामा सामा का दौर चल रहा है, बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं, विधानसभा के क्षेत्र के लोग हैं, जिले के लोग हैं, वो आपके पास आ रहे हैं, रामा सामा कर रहे हैं। क्या लगता नहीं कि लोगों का जो प्यार है वो हमेशा आपके साथ रहा है और अब तक रहा है? देखिए, सरदारी का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद जो मेरे को मिलता है वो मुझे ऊर्जा देता है, और ये इस तरह के रामा श्यामा के कार्यक्रम, मिलन के कार्यक्रम लगातार मैं 5 वर्ष किए हैं, लोगों के बीच में जाने के संपर्क कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम ये करता रहता हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोगों के बीच में रहने के लिए सतत संपर्क, संवाद जरूरी है, और यही मेरी कह सकता हूँ स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और वो शक्ति सरदारी से आती है, और उस रूप में मुझे खुशी होती है अपनों के बीच में मिल के बात करने की। उनसे इश्यूज भी आते हैं, मुद्दे भी डिस्कस होते हैं, कोई अपनी समस्या को भी बताता है तो उसको फिर उसका समाधान भी कर दिया जाता है। और आप जानते हैं जैसे चुनावी माहौल तो है ही, और उस चुनावी माहौल में कई बार चुनावी कार्यक्रम जरूर होते हैं, लेकिन मेरे लिए ये नहीं कह सकते कि ये चुनावी कार्यक्रम है, क्योंकि मैं लगातार हर वर्ष करता रहा हूँ। कोरोना पीरियड को छोड़ दिया जाए तो हर वर्ष चाहे होली का कार्यक्रम हो, चाहे दीपावली का कार्यक्रम हो, चाहे और कोई कार्यक्रम हो, मेरा रहा है, कोशिश रही है सरदारी के बीच में, उनके बीच में मैं जो है उसको मनाऊं। तो आप लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, कैसा जन समर्थन आपको मिल रहा है? क्योंकि बड़ी संख्या में आपके साथ देखी जाती है, लोग जो इकट्ठे होते हैं आपके साथ संवाद करते हैं, जो आपने कहा कुछ कमियाँ रह गई उनको भी इस बार पूरा कराएंगे। देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, जनता ने, सरदारी ने 2003 से लेके और 2018 का काल देखा। 2018 में मैं आया, अब 2023 हो रहा है, 5 वर्ष। जनता का स्पष्ट आकलन है वो 15 साल और ये 5 साल, और जनता कोई मेरे को इसलिए नहीं दे रही कि सुभाष गर्ग गए या इसमें कुछ ऐसी चीज़ें इसको भी वोट देने। जनता मेरे किए गए कार्यों का मूल्यांकन करके कि वो 15 वर्ष बीजेपी के और उन लोगों के, और ये 5 वर्ष, इसमें कितना विकास भरतपुर के क्षेत्र में हुआ, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, पानी, बिजली, सड़क। जो लोकदल के और गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं सुभाष गर्ग, उनका साफ तौर पर कहना है जो उनकी जो 5 साल हैं, जो उन्होंने विकास कार्य किए, जनता उनके नाम पर जरूर मोहर लगाएगी और उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में जो लोग हैं, भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पहुंचे हैं, और जो मंत्री और जो लोकदल और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनको बधाई दे रहे हैं। कैमरामैन दिलीप राजपूत के साथ रवि कटारा, फर्स्ट इंडिया भरतपुर।